यार आज शाम को पार्टी में जाना है। समझ में नहीं आ रहा इस साड़ी के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लूं सिल्वर जिसके साथ अच्छी खासी मैच कर रही है, या फिर ये बीट्स वाली पहन लूं मोतियों वाली। इसका पेंडेंट तो बड़ा लग रहा है बट इसके इयररिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं मैच करेगी कि नहीं, और कलर भी सेम है। या फिर एवरग्रीन ये पोलकी का ही सेट पहन लूं बट कहीं ओल्ड फैशन ना दिखाई दूं। या फिर पूरा सेट पहनूं ही ना, सिर्फ इयररिंग ही पहन लेती हूँ। बट अगर मिसेस शर्मा पूरा सेट पहनकर आ गई तो कहीं मेरी ज्वेलरी कुछ कम ना नज़र आए। कुछ और देख लेती हूँ, बोहो ज्वेलरी अच्छी लगेगी क्या? साड़ी के साथ बोहो ज्वेलरी मैच करेगी? कोई तो बता दे मुझे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ, कोई सही सजेशन दे देता तो कितना अच्छा रहता। बिंदी की भी प्रॉब्लम है, बिंदी में कलरफुल छोटी छोटी सी लगा लूँ या फिर सिल्वर लगा लेती हूँ स्टोन के साथ। बड़ी बिंदियाँ भी हैं मेरे पास कलरफुल, ये वाली लगाऊँ ज़्यादा अच्छा लगेगा या वो वाली लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? या फिर बिल्कुल ही प्लेन लगा लेती हूँ, थोड़ा सिंपल दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। ये सारी बातें आप सबके भी दिमाग में आती होंगी और आपको भी लगता होगा कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें सही सजेशन दे दे और सही ज्वेलरी और बिंदी वगैरह सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प कर दे। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसी एक मेकअप और इसी साड़ी के साथ हम इस लुक को कितना डिफरेंट कर सकते हैं अलग अलग एक्सेसरीज का यूज करके। ये मेकअप लुक का वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और इस हेयर स्टाइल का वीडियो भी मैं आपके साथ अलग से शेयर कर चुकी हूँ, तो आप दोनों वीडियोस को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये लुक मैंने क्रिएट किया है फेस्टिव सीजन के लिए, खासकर रक्षाबंधन के लिए, तो इन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने अभी इस समय ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का यूज किया है, गले में भी ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस है एंड इयररिंग भी वैसी ही है, तो इसका लुक एकदम डिफरेंट आ रहा है। इसके साथ मैंने जो टॉप नॉट बना रखा है, आप सेम हेयर स्टाइल एंड सेम साड़ी के साथ थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह चेंज कर लो तो आपका लुक कैसे चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बिंदी वगैरह चेंज कर लो तो क्या लुक चेंज होता है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लुक तो आप देख ही रहे हो कि ये हो गया कि सिंपल साड़ी है और उसके साथ मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है। दूसरी ज्वेलरी मैं निकालूंगी इस तरीके की, ये जो बीड्स की है और यहाँ पर आपको कुंदन वर्क भी मिल जाएगा और यहाँ पीकॉक का डिजाइन वगैरह बना हुआ है। इसके इयररिंग्स जो है बहुत ही छोटे छोटे से हैं इस तरीके के, ब्लू कलर के, चूंकि मेरी साड़ी ब्लू कलर की है एंड पिंक कलर की है। और ये जो आंचल है, साड़ी तो ब्लू कलर की बट जो आंचल है यहाँ पर मजेंटा कलर का आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस कलर की ज्वेलरी का यूज करने का सोचा है ताकि ये उभर कर दिखाई दे। तो चलिए मैं इसको निकालकर ये वाला आपको लगा, तो इस तरीके की ये फर्स्ट ज्वेलरी थी मेरी, इसको मैंने निकाल दिया है। तो सेकंड लुक इस तरीके का आएगा कुछ। आप देख सकते हो कि सेम साड़ी एंड सेम मेकअप के साथ ही लुक एकदम डिफरेंट हो गया है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ अलग आ रहा था और इस बीड्स की ज्वेलरी के साथ बिल्कुल ही अलग आ रहा है ये लुक। इसके साथ आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंगल ये कड़ा पहन रखा है तो इसकी जगह पर आप इस तरह से चूड़ियां भी पहन सकते हो एक हाथ में, तो ये आपका इस तरीके का कुछ मैचिंग हो जाएगा। तो मैं इस कंगन को निकाल देती हूँ और मैं यहाँ पर ये चूड़ियां पहन लेती हूँ। ब्लू कलर की चूड़ियां हैं जिसपे थोड़ा सा गोल्डन सा इसमें ग्लिटर सा लगा हुआ है। आप कोई भी प्लेन भी ले सकते हो, प्लेन चूड़ी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी बट मैंने ये वाली ली है। तो इस तरीके से हो गया, और आप चाहो तो एक हाथ में सिंगल कंगन पहन सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके के अगर मीडियम मोटाई के हैं तो आप इस तरीके से दो कंगन भी पहन सकते हो।
तो ये कुछ लुक इस तरीके का चेंज हो जाएगा। इस टाइप के जो मीनाकारी वाले कंगन होते हैं मल्टी कलर में होते हैं, ये आपके लगभग हर आउटफिट पर चल जाते हैं। अगर आप इसको वेस्टर्न के साथ पहनोगे तभी अच्छा लगेगा, साड़ी के साथ, सूट के साथ कैसे भी अच्छा लगेगा। और किसी भी बहुत ज्यादा मैचिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें कई सारे शेड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मजेंटा हो गया, इसमें ग्रीन भी है, इसमें येलो कलर भी है, बेज कलर भी है और गोल्डन भी है, तो चल जाता है ये हर किसी आउटफिट के साथ। इतना ज्यादा नहीं लगता कि बिल्कुल ही अलग आपने पहन रखा है। तो ये एक दूसरा लुक हो गया। इसको आप इस तरीके से सटाकर भी पहन सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको एकदम गले में फिट करके भी पहन सकते हो। लुक बहुत ही चेंज हो जाता है हर एक छोटी छोटी चेंजेस करने से। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये मैंने गले से सटाकर पहन लिया है, तो ये किस तरीके का कुछ अलग दिख रहा है, जैसे थोड़ा सा रिच लुक आने लगता है। अगर आप गले से सटाकर कोई भी नेकलेस पहनते हो तो वो एक जैसे चोकर का इफेक्ट देता है और थोड़ा सा वो रिच लुक आता है। जैसे कि आप किसी फंक्शन में, किसी मतलब रिसेप्शन वगैरह में जा रहे हो और पहन के जा रहे हो, तो ये आपकी जो अपेयरेंस है उसको थोड़ा सा रिच कर देता है। तो अगर आप इसको इसको इस तरीके से पहनना चाहते हो कि आप गले से सटा हुआ पहनना चाहते हो, तो इसी एक एक्सेसरी में, यानी इसी एक आपको नेक पीस में आप दो डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक ये हो गया और दूसरा अगर आप इसको थोड़ा लूज कर लोगे तो ये थोड़ा सा सिंपल लुक आता है, ये उतना ज्यादा आपको हैवी नहीं दिखाता है, थोड़ा सा कैजुअल लुक टाइप का आता है। तो ये मैं मुझे इस तरीके का अच्छा लग रहा है, तो मैं ये आप इस तरीके का शो कर रही हूँ। बट आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो ये दो लुक हो गए और अब मैं इसको हटाकर सिर्फ आपको इस तरीके के इयररिंग्स पहनकर दिखाऊंगी, जो थोड़े से दिखने में हैवी होते हैं बट ये बहुत ही लाइट वेट है। तो इसके साथ लुक कैसा आ रहा है आप देख सकते हो, Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. तो ये एक थर्ड लुक हो गया जिसमें बिल्कुल ही सिंपल कर दिया है, एक सिर्फ थोड़ी सी हैवी सी इयररिंग्स आप पहन लीजिए। और चूंकि यहां पर मैंने जो ब्लाउज का नेक है ये बोट नेक पहन रखा है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नेक पर पहनने की जरूरत नहीं महसूस होती है, बट अगर कोई पहनना चाहता है तो वो पहन सकता है। तो इस तरीके से आप इयररिंग्स को चेंज करके भी लुक चेंज कर सकते हो और बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। जैसे कि पहले जो लुक था वो बिल्कुल ही अलग था, सेकंड वाला अलग हो गया और ये एकदम ही सिंपल हो गया कि अगर बहुत ज्यादा कोई नहीं पहनना चाहता है ज्वेलरीज, तो वो इस तरीके से थर्ड लुक क्रिएट कर सकता है। सेम साड़ी एंड सेम मेकअप, सेम हेयर स्टाइल मैं यहाँ पर रख रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ज्वेलरी ही चेंज कर रही हूँ और उससे पूरा फर्क पड़ रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज ये कर सकती हूँ कि अगर आप चाहो तो आप बिंदी को चेंज कर सकते हो। जैसे ये मैंने ब्लू लगाई हुई है, तो इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ पर पिंक लगा लेती हूँ तो यहाँ पर उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है। अगर आप इसमें स्टोन बिंदी लगा लेते हो उससे भी बिल्कुल अलग फर्क पड़ जाता है। और अगर जैसे कि जो सुहागन लेडीज होती हैं वो घर में जो मरून कलर की प्लेन बिंदियां होती हैं वो लगाती हैं, उससे लुक बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है। कि अगर कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता है तो सिंपल उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है। इसमें ही होगा वो कलर, ये जैसे जैसे कि ये प्लेन बिंदी हो गई मरून कलर की, तो ये बिल्कुल इंडियन लुक आ जाता है। अगर आप इस तरीके की मरून बिंदी लगाते हो तो बिल्कुल इंडियन लुक आता है और चेंज हो जाता है पूरा आपका जो है, जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो ये एक आपका थर्ड लुक में ही एक और क्रिएशन हो गया। तो ये थोड़ा सा चेंज करके एक अलग लुक आ गया और अब मैं एक लास्ट आपको लुक दिखाऊंगी, जो कि मैं ये पोलकी वाले जो सेट चलते थे इसके साथ बताऊंगी, जो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल लुक होता है। और जो ये बिंदी है ये सेम उसके साथ चलेगी, तो इसको निकाल के इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आपको।
कई बार जैसे कि होता है ना कि हम रेडी होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके की ज्वेलरी पहने क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कुछ भी पहनोगे वो एक अपना अलग स्टाइल होता है। कुछ भी अलग ज्वेलरी आप पहनते हो तो उसके साथ वो अपने आप टीम अप हो जाती है। बट ये जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो इसमें से आप कुछ भी कैरी कर सकते हो। तो ये एक पूरा असली जो ट्रेडिशनल लुक होता है इंडियन लेडीज का वो आ गया है, और साथ में चूड़ियां हो गई। आप चाहो तो दोनों हाथों में चूड़ियां पहन सकते हो, जैसे कि मैंने एक हाथ में ये वाली पहनी है, तो इसी तरीके की आप एक हाथ में चाहो तो ये वाली भी पहन सकते हो। दोनों अलग अलग शेड की बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक हाथ में अलग कलर की, एक हाथ में अलग कलर की चूड़ियां, तो बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप दो कलर की इस तरीके की साड़ी पहन रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। जिस साइड में आपका हाथ जैसे इस तरफ आंचल का हिस्सा है, इधर मजंटा है, तो आप इस हाथ में ब्लू कलर की पहन लीजिए, और इस हाथ में नीचे आएगा तो ये ब्लू कलर के साइड में जाएगा, तो आप इस हाथ में मजंटा पहन लीजिए। तो इस तरीके से लगेगी ये देखने में। तो ये हो गया इसका लुक, बहुत ही प्यारी लगेगी। इसके साथ मैंने वो वाले कंगन नहीं डाले हैं, कोई बात नहीं, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। तो ये इस तरीके का लगेगा। एक लास्ट तो मैं ये आपको दिखा रही थी, बट एक चीज और मेरे सामने रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट था, ये लास्ट है, तो ये भी आप देख लो। एक और जैसे कि इनके साथ अगर आप चाहो तो बोहो ज्वेलरी भी होती है, वो भी आप टीम अप कर सकते हो। तो मेरे पास ये नेकलेस है एक बोहो स्टाइल का, तो ये मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। तो ये एक इस तरीके का बोहो नेकलेस है, इसको मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो ये इसका इस तरीके का लुक आएगा, और इसके साथ इयररिंग्स नहीं आते हैं, तो मैंने यहाँ पर अलग से इयररिंग्स इस टाइप के रख रखे हैं। तो इसकी जो ये डिजाइनिंग है इसके साथ ये कुछ कुछ मैच कर जाएगा, तो मैंने इस तरीके के अलग से इयररिंग्स जो लिए थे वो मैं इसके साथ टीम अप कर रही हूँ। तो ये आप वो नेकलेस के साथ इसको पहन सकते हो, और इस तरीके की इयररिंग्स इसके साथ टीम अप कर सकते हो। थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, शुरू से आप देख रहे हो थोड़ा चेंज हो रहा है। बाहर मौसम एकदम ही सुहावना हो चुका है, बादल आ चुके हैं एकदम काले काले से, तो इस वजह से लाइटिंग की थोड़ी सी कहीं पर चमक ज्यादा है, कहीं पर थोड़ा सा डल नजर आ रहा होगा, बट तो इस वजह से थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत आ रही है। तो ये एक आपका लास्ट इस तरह का लुक भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ आप चूड़ियां डाल सकते हो, तो आप चाहो तो चूड़ियां भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरीके के कंगन भी पहन सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, किस तरीके की आप टीम अप कर सकते हो। वैसे तो सबको सबके पास सब कुछ होता है, बट कई बार नहीं समझ में आता है कि किस जो है ड्रेस के साथ हम कौन सी ज्वेलरी का यूज करें जो ज्यादा अच्छी लगे। तो मेरे इस वीडियो का मकसद यही था कि आप जैसे कि मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है, इसके साथ मैंने वो ज्वेलरी भी ट्राई करी, मैंने इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी ट्राई करी, पोल की, एंड सारे के सारे मैंने ट्राई करी। आप देख सकते हो कि सारे के सारे इस पर बहुत ही अच्छे जा रहे थे। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको पहन सकते हो, और हर एक ज्वेलरी के साथ अपना लुक चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, नए हो, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको हिट कर दीजिएगा। साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। सो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।